Students, welcome to our YouTube channel. I hope you are completely safe. I am Rita Tomar, your English teacher. Today I am going to teach you the direct to indirect narration of interrogative sentences. So go ahead and start the topic. बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इन वीडियोज़ को देख सके और उनकी पढ़ाई उनके लिए इजी हो सके। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। देखिए बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच जो हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिन वाक्यों का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये मेरे को आप यहाँ से हटा देंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे आर यू फूल, क्या तुम पागल हो, वाई आर यू सैड, तुम दुखी क्यों हो। तो हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो जो पूछने वाली जो हम बात बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। ये मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि हम अपने पूरे जीवन में 5 तरीके से बात करते हैं। एक असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं जिनको, जिसमें हम हाँ नहीं में जवाब देते हैं और बताते हैं किसी चीज़ के बारे में। और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो हमारे क्वेश्चन होते हैं। और एक हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट और कमांड होती है। एक हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, आश्चर्य होते हैं, सरप्राइज होते हैं, वे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आते हैं। और एक ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं जिनको इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं, जो हमारे मन से खुशी और दुख में किसी के लिए अच्छा या बुरा निकलता है उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में रखते हैं। तो आज आपको मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारी प्रश्नवाचक वाक्य है उनकी इनडायरेक्ट स्पीच बनानी सिखाऊंगी। देखिए सबसे पहला नियम क्या है इसके अंदर, बाकी जो नियम मैं यहाँ नहीं बताऊंगी वे सारे के सारे आपको असर्टिव वाले ही फॉलो करने हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वोज वर डू डिड हैज हैव हैड कैन मे शुड सेल विल डू ईटीसी कुछ भी हो सकती है ना, से शुरू हो तो उन्हें इनडायरेक्ट में इस प्रकार से बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे। सबसे पहले ये जो से या से टू है इसको तो हम आस्क, डिमांड, इंक्वायर है ना, या वॉन्ट टू नो, इनमें हम बदल देते हैं। और जो सेज टू और ये होते हैं इनमें केवल हम क्या करते हैं, एस लगा लेते हैं। ठीक है, एस लगाकर हम इनको बना देते हैं। और जो सैड वाले होते हैं उनमें हम ईडी लगा लेते हैं, यानी कि सेकंड फॉर्म कर लेते हैं, क्योंकि सैड सेकंड फॉर्म होता है तो इसको भी हम सेकंड फॉर्म कर लेते हैं। आगे देखेंगे, ये तो चेंज हुआ किसका, से का, सेज का और सैड का, या सेज टू या सैड टू। अब इसमें कोई भी आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि भाई से होगा तो ऐसा कैसे ही रहेगा, टू होगा तभी टोल बनेगा। इंट्रोगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कुछ भी हो सबको ही हम इस तरह से बदलते हैं। आप इनमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में से, सेज या सैड को बदलने के लिए, जितने भी वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हैं, बस ध्यान टेंस का रखना है। ठीक है, एस या एस का रखना है। आगे देखेंगे, सेकेंड रूल है रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना होने पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड को चेंज किया जाता है। ठीक है, ये नहीं सोचेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड को कैसे चेंज करें, वो चेंज होगा आस्क्ड में ही, या इंक्वायर में ही होगा, या डिमांडेड में होगा, या वांटेड टू नो में होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हम भाव अनुसार किसको मान लेते हैं, तो हिम को मान लेते हैं, या हर को मान लेते हैं, या देम को मान लेते हैं, मी को मान लेते हैं, या यू भी हो सकता है। ठीक है, वो हमें सेंटेंस का भाव देखना है कि क्या इसकी फीलिंग है सेंटेंस की, उसके अनुसार हमें उनको बनाना है, अपने पास से बनाना है। ऑब्जेक्टिव केस समझ रहे हैं आप, कि से या सैड के बाद जो ये कहीं पर मी आता है, कहीं पर यू आता है, ये हम जिस सेंटेंस में ना हो तो वो हम कैसे माने, है ना। तो वो हम अब जो आगे का सेंटेंस आएगा यहाँ पे इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, उसके भाव अनुसार हम इसको मान लेते हैं, इनमें से कुछ भी मान लेते हैं जो यहाँ पे दिए हुए से या सैड के बाद अगर कुछ ना हो तब इनको हम मानते हैं, जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का सेंटेंस है उसके भाव के अनुसार। ठीक है, आगे देखेंगे, तीसरा रूल है कोमा, इन्वर्टेड कोमाज, ये आपको दिख भी रहे हैं क्या है। ठीक है, को हटाकर कंजक्शन के रूप में, ठीक है, कंजक्शन के रूप में अभी तक हम किसका प्रयोग कर रहे थे, हम दैट का प्रयोग कर रहे थे इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लेकिन अब हम किसका प्रयोग करेंगे, या तो इफ़ का या फिर वेदर का, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे।
जब वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तभी वो ऐसा होता है, मतलब जब सेंटेंस इज आर एम से या हैज हैव से या डू से या डिड से या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से या मॉडल वर्ब से स्टार्टिंग जब उसकी होती है तब हम ऐसा करते हैं, जब सेंटेंस इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का सेंटेंस एकदम शुरू इन से ही हो, ठीक है, शुरुआत में ये चीज़ें आपको दिख जाए तब हम ऐसा करते हैं कि वाक्यों को हम इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं। यदि वाक्य में और आया हुआ है, देखिए किसी सेंटेंस में अगर और आ गया इन्वर्टेड कोमाज में अंदर जाके कहीं और आ गया तो हम फिर जो सेंटेंस को जोड़ने वाले कंजक्शन ना, अभी तो आपकी चॉइस थी कि या तो ये लगाए या तो ये लगाए, उस कंडीशन में जब ये और आ जाए तब हमें वेदर का ही प्रयोग करना है, इफ़ का प्रयोग गलत होगा, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखेंगे कि और आएगा तो हम वेदर का ही प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, यदि वाक्य के प्रारंभ में हेल्पिंग वर्ब आई हो तो वाक्य को इनडायरेक्ट में अफर्मेटिव बनाते हैं। देखिए जब मतलब मान लिया आपको यहाँ पर डू डज दे दिए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में दे दिए, इन्वर्टेड कोमा शुरू हुआ और स्टार्टिंग में ही आपको डू या डज दिखाई दे रहे हैं या हैज हैव दिखाई दे रहे हैं आपको स्टार्टिंग में ही जब आपकी कोमा शुरू हुई, या इज आर एम दिखाई दे रहे हैं या वोज वर दिखाई दे रहे हैं, हैड दिखाई दे रहा है, कैन दिखाई दे रहा है ना, शैल दिखाई दे रहा है, ये जब आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई दे और इनके साथ नोट न दिखाई दे, केवल ये ही दिखाई दे, एनओटी नोट न दिखाई दे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं उन सेंटेंस को जब हम बदलते हैं, आपको बच्चों ये बात पता होगी, मैंने 11th में ज़रूर बताई होगी, जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वे सेंटेंस असर्टिव बन जाते हैं, फिर वे इंट्रोगेटिव नहीं रहते इनडायरेक्ट स्पीच बनने के बाद, वे असर्टिव बन जाते हैं। तो इसी असर्टिव के नियमों को ही हमें फॉलो करना है, हमें क्या करना है, हमें इनको जोड़ने के बाद इफ़ या वेदर से जोड़ने के बाद हमें उस सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है। अगर नोट आया है तो वो नेगेटिव बनेगा असर्टिव का पार्ट, आपको पता है असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, अगर नोट नहीं आया है तो फिर वो बनेगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव के अंदर, और अगर नोट आया है तो नेगेटिव बनेगा। चलो एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू आगरा। देखिए अब ये सेंटेंस जो आप इन्वर्टेड कोमाज के अंदर का देख रहे हैं इसमें शुरू में ही आर आया हुआ है, ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सैड को किस में बदलेंगे, सैड को हम आस्क में बदलेंगे, यहाँ पे पहले से हमें मी दिया हुआ है, अगर ना दिया हुआ होता तो हम यहाँ पर भाव अनुसार किसी का प्रयोग करते, जैसे भाव क्या था, अगर मान लीजिए यहाँ पर मी न होता तो आप देखिए आर यू गोइंग टू आगरा, हम यू किसको कह देंगे जब कोई हमारे सामने खड़ा हुआ होगा, है ना, जब तभी तो हम कहेंगे जिससे हम बात करते, सेकंड पर्सन ही तो होता है यू, और यू जहाँ यहाँ पर आया हुआ है और उसने कहा और यू बता रहा है ना कि तो यू ही हमें बता रहा है, यू ही के यू के बारे में उसने ही बात कही थी, इस आदमी ने यू के बारे में ही कही थी और यू ही हमें बता रहा है कि उसने कहा कि क्या तुम आगरा जा रहे हो, तो यू ही तो बताएगा आके या कोई और बता देगा, तो जब यहाँ पर यू है, ठीक है, तो यू ही अपने बारे में बता रहे हैं मी कि मुझे कहा उसने, तो यहाँ पर हम मी मान लेंगे भाव अनुसार, सेंटेंस के भाव अनुसार, तो यहाँ पर मी मान लेंगे, तो यहाँ पर हमने मी कर लिया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है हमें मानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे के सेंटेंस पर चलेंगे, सेंटेंस में हमें कहीं पे भी ओ आर और दिखाई नहीं दिया तो हम जोड़ किससे देंगे, जिससे हमारा मन करे उससे जोड़ेंगे, या तो इफ से या वेदर से। उसके बाद मैंने कहा कि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वो हमेशा असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सबसे पहले वर्ब आ रही है, तो पहले तो हम इसे ठीक कर लेंगे, हम सब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे, क्योंकि यू है तो यू किसके अनुसार बदलेगा, यहाँ के अनुसार बदलेगा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन हमें इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, आई बन गया। अब ये आर यहाँ पर आया हुआ है हमने मान लिया क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो सैड आने पर इजारम किस में बदल जाएंगे, वोज वर्ब में, आई के साथ आया वोज, गोइंग टू आगरा ऐसे ही रहेगा, और क्योंकि अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा था इन यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्नवाचक वाक्यों में सर मैडम आने पर उन्हें रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंस में कहीं पे भी आपको सर या मैडम दिखाई देने हैं तो आप उस सर या मैडम को रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं और बिल्कुल रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम उसको लिखते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ भी है, मैडम
वो डू यू वॉन्ट, ये सारी बातें इन्वर्टेड कोमाज के अंदर है। देखने में मैडम इन्वर्टेड कोमाज के अंदर लग रहा है, लेकिन ये जो मैडम है ना, ये आप बाहर मानेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब कोई नाउन कोमा लग के इन्वर्टेड कोमाज के अंदर दिखाया जा रहा है, बाकी सारा भाग तो उससे अलग हो, बस वो एक नाम ही अलग कोमे से अलग रखा हुआ है, तो ये मानिए कि वो हमेशा सैड के बाद आया हुआ है। ये सेंटेंस इस तरह से था, द सर्वेंट सैड टू मैडम, ठीक है, फिर कोमा लग जाते हैं, इन्वर्टेड कोमाज लग जाते हैं, और फिर बोलते व्हाट डू यू वांट। तो जब ये मैडम बाहर है तो हम क्या करेंगे, सर्वेंट मैडम से ही तो पूछ रहा है, तो पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सैड को बदल देंगे हम आस्क्ड में, द सर्वेंट आस्क्ड, और मैडम को हमें किस में बदलना है, रिस्पेक्टफुली में। मैडम और सर को हमेशा रिस्पेक्टफुली में बदलते हैं। अब क्योंकि ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें पहले से ही क्वेश्चन वर्ड है, ये बात मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, लेकिन आप समझ लीजिए, जब हमारे सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड हो, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं बच्चों, जो पर्सन पूछने के लिए शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, किसको, कितना, कहाँ, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनके अगर किसी सेंटेंस में इनकी इंग्लिश आई हुई है तो हमें उनको जोड़ने के लिए कभी भी इफ या वेदर की आवश्यकता नहीं होती। हम क्या करते हैं, उन्हीं से उन सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ये जोड़ने का ही काम कर देते हैं। अब क्योंकि अंदर का सेंटेंस हमें क्या करना है, असर्टिव बनाना है। असर्टिव का नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब, ठीक है। अब क्योंकि इसमें नोट भी नहीं है तो हमें असर्टिव का भी अफर्मेटिव बनाना है। ये अफर्मेटिव में क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आपको दिख रहा है, डू आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जब हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव में डू या डज का तो प्रयोग होता ही नहीं है, ऐसे ही एस लगता है वर्ब में, तो ये डू डज खत्म हो जाएंगे। पहले हम यू को बदल लेंगे, किसके अनुसार, ये जो मैडम है इनके अनुसार। मैडम क्या थी, एक थर्ड पर्सन थी, थर्ड पर्सन ही तो थी, और औरत थी, तो थर्ड पर्सन कितने होते हैं, ही सी इट दे, और क्योंकि औरत थी तो सी मानेंगे, और सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब इसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, क्या, सी, ठीक है। तो क्या हो गया, वोट सी, डू तो खत्म ही हो गया, यू को हमने सी में बदल दिया, और क्योंकि अब यहाँ पर क्या आया है, सैड आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बनेगा नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में पहुँच जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, तो वॉन्ट की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वॉन्टेड, ठीक है। द सर्वेंट आस्क रिस्पेक्टफुली वोट से वॉन्टेड, आगे चलेंगे। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, इनको देखेंगे। यू सैड टू हिम डू यू नोट टेक राइस, तुमने उससे कहा क्या तुम चावल नहीं खाते हो, तो सैड टू आया हुआ है, और अंदर की जो स्टार्टिंग है वो एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आया हुआ है, तो हम सैड को बदल देंगे आस्क्ड में, हिम तो हिम ही रहेगा। अब हम चलते हैं कंजक्शंस को, इफ़ या, यहाँ पर क्योंकि कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ठीक है, वोट, हाउ, ड, वेयर, ये सब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर से सेंटेंस को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर और नहीं है तो हम इफ़ से भी जोड़ सकते हैं, अगर ओ आर और होता तो फिर हम वेदर से ही जोड़ते। अब क्या करना है, इसको एक असर्टिव सेंटेंस बनाना है, तो यू को हम बदलेंगे इसके अनुसार, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस कौन है, ही, तो हम इसको क्या बना लेंगे, हम इसको बना लेंगे ही, तो ये ही बन गया। अब क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो डूडज भी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन जब यहाँ पर पास्ट फॉर्म दिखाई हुई है तो डूडज किस में पहुँच जाएंगे, डिड में पहुँच जाएंगे, डिड और नोट आ जाएगा ये, ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। केवल क्या करना है, इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि अब ये क्या बन गया है, ये एक असर्टिव सेंटेंस बन गया है। आगे चलेंगे। सी सेड टू मी विल यू टेक टी और कॉफ़ी, देखो अब और आया हुआ है, अब ध्यान देंगे आप, सबसे पहले तो विल आया हुआ है और क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में, मी ऐसे ही। अब यहाँ पर क्योंकि हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है और यहाँ पर और आया हुआ है तो हम इफ़ का प्रयोग नहीं कर सकते, केवल वेदर का ही प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वेदर। अब वेदर आ गया, अब इनका नंबर आया, इनको चेंज किया, यू यहाँ पर आ गया शुरुआत में, तो यू किसके अनुसार, मी के अनुसार, मी का सब्जेक्टिव केस आई, ठीक है, और आई के साथ तो विल नहीं आएगा, सेल आएगा, और सेल क्योंकि सैड है तो सैड के अनुसार सेल किस में पहुंच जाएगा, सुड में, ठीक है, पास्ट फॉर्म बन जाएगी सेल की, सेल सुड में बदल जाता है, विल वुड में बदल जाता है। टेक टी और कॉफ़ी और लास्ट में फुल स्टॉप, चलेंगे आगे। आगे देखिए अगला नियम, यदि
रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो वही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन के रूप में कोमा तथा इन्वर्टेड कोमाज को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बात मैंने अभी ऊपर आपको बताई है कि अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो हम उसी से ही सेंटेंस को जोड़ देते हैं, हमें अलग से कोई कंजक्शन यूज, इफ या वेदर या दैट यूज नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप यहाँ देख लेंगे, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा क्या नाम है क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है और सेंटेंस की हिंदी भी आपसे आती है, तुम्हारा क्या नाम है तो पूछा जा रहा है, तो सेड टू को हम बदल देंगे आस्क में। अब यहाँ पर क्योंकि वोट दिया हुआ है तो हम इसी से ही सेंटेंस को जोड़ देंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब ये योर जो है यू से बनने वाला शब्द है और ये किसके अनुसार बदलते हैं सारे वर्ड, इसके अनुसार जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्योंकि मी है तो मी का ये तो ऑब्जेक्ट है, हमें चाहिए पजेसिव, मी का पजेसिव होता है माई, ठीक है, तो माई को योर को हमने बदल दिया माई नेम, और ये जो इज है ये बाद में जाएगा, क्यों, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ये है और बाद में वर्ब आएगी, हमें इसे असर्टिव सेंटेंस तो बनाना है, तो अब इसमें हम लगा देंगे फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क को हटाकर। सेकंड सेंटेंस देखिए, सी सेड टू देम वेयर आर यू गोइंग, सी सेड टू देम उसने उनसे कहा तुम कहाँ जा रहे हो, तो पूछ लिया वो कोई बात, तो सेड टू को बदलेंगे आस्क में। अब वेयर से ही हम सेंटेंस को जोड़ देंगे, अब हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो जगह चेंज करेंगे, यू बदला जाएगा देम के अनुसार, देम किस में से बना, दे में से, तो इसका सब्जेक्टिव केस कौन बन गया, दे बन गया, यहाँ पर हमने दे लिख दिया। आर क्योंकि यहाँ पर सैड है तो बन जाएगा वर और गोइंग गोइंग ही रहेगा, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। राहुल सेड टू मी हाउ डू यू गो टू कॉलेज, अब फिर से राहुल ने पूछा कि भाई तुम स्कूल कैसे जाते हो, पूछ रहा है वो कोई बात, तो सेड टू को बदल देंगे आस्क में, या इंक्वायरमेंट में भी बदल सकते हैं आप, डिमांडेड में भी कर सकते हैं, या आप वांटेड टू नो में भी कर सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हाउ आया है तो हाउ से ही हम सेंटेंस को जोड़ देंगे, इफ़ या वेदर की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सही जगह पर रखेंगे, यू किसके अनुसार, इसके अनुसार क्या बन गया, आई। अब क्योंकि इस सेंटेंस में नोट नहीं है, अगर नोट होता तो डूडज बच जाते, लेकिन अब नोट नहीं है तो ये ख़त्म हो गए, ठीक है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में डू डिड को हटाकर क्या आ जाता है, सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, ये तो ख़त्म ही हो गया क्योंकि गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू द कॉलेज। आगे देखेंगे अगला एग्जाम्पल, He said to me, who are you and where are you going now? उसने मुझसे कहा तुम कौन हो और अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो बात पूछी जा रही है वो भी दो दो बात, तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हम इसको बदल देंगे आस्क में, जोड़ने वाला वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड है उससे हम जोड़ देंगे, इफ वेदर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यू है इनकी जगह चेंज करेंगे, यू बदला जाएगा इसके अनुसार, आई बना क्योंकि सैड आया है, इज आर एम चले गए वोज में, एंड वेयर फिर ऐसे ही रहेगा, फिर से यू आया, यू को हम क्योंकि इनकी जगह तो हमें बदलनी है ना, यू को हमने फिर से आई के अनुसार बदला और इज आर एम को बाद में रख के वोज बना दिया। गोइंग नाव को किस में बदलते हैं बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने इसमें बताई नहीं है, नियरनेस को कि हम क्या बदलेंगे, नियरनेस को भी तो बदलना है आपको, नाव को देन दिस को दैट ये तो बनाना ही है, ये तो हर सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि भाई कोई भी हो उनमें सब में होगा, असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव हो या इंपेरेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो नियरनेस आपको खुद से चेंज करनी है, वो एक बार आपको सिखा दी गई है, और प्रोनाउंस भी आपको एक बार सिखा दी गई है, और टेंस भी आपको हर जगह बदलने हैं अपने आप, ठीक है। आगे देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बना देते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, बार बार बता रही हूँ कि क्योंकि हम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें फुल स्टॉप ही लगाना है। आई थिंक आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ आ गए होंगे, अब मैं आपको इनकी एक्सरसाइज सेंड करूँगी जो आपको करके मुझे दिखानी है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।